साथियों, दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता ना हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार एक प्रकार से बरसता रहता है। और मुझे तो, मैं हमेशा एक बात जरूर बताता हूं, मैं सैयदना साहब शायद 99 एज थी, मैं ऐसे ही चला गया वहां सरसपुर। 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे जी, मेरे मन को वो घटना आज भी इतना प्रेरित करती है। क्या कमिटमेंट नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का सैयदना साहब का, क्या कमिटमेंट है 99 एज में भी बैठ करके बच्चों को पढ़ाना। और मैं समझता हूं 800,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, मेरे दिल को वो दृश्य हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहता है। गुजरात में रहते हुए हमने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा है, कई रचनात्मक प्रयासों को साथ मिलकर के भी आगे बढ़ाया है। और मुझे याद है सैयदना साहब की शताब्दी का वर्ष हम मना रहे थे और सूरत में हमारा बहुत बड़ा जलसा था, मैं भी था उसमें। तो सैयदना साहब ने मुझसे कहा, तुम मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। मैंने कहा मैं कौन होता हूं आपको काम बताने वाला। लेकिन उनका बड़ा आग्रह था, तो मैंने कहा देखिए, गुजरात को हमेशा पानी का संकट रहता है, उसमें कुछ जरूर। और मैं आज भी कहता हूं उस एक बात को, आज इतने साल हो गए, पानी के रक्षा के काम में आज भी बोहरा समाज के लोग जी जान से लगे हुए, जी जान से लगे हुए, ये मेरा सौभाग्य है। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहाउद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। और जब मैं गुजरात से दिल्ली गया आपने गादी संभाली, वो प्यार आज भी बना हुआ है, वो सिलसिला चलता रहा। इंदौर के कार्यक्रम में हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब और आप सब ने अपना जो स्नेह मुझे दिया था वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। साथियों, मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही हैं एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कष्ट उठाते हैं, नहीं बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है।